है, तो लोग यहाँ पे ऐसे मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। भाई आप कहाँ से हैं? यूपी से। एक रूम दिखा देता हूँ कि रूम यहाँ पे कैसे है, लोग अंदर कैसे रहते हैं। जो इसमें 5 रुपए घंटा तो मिलता है, सही है, लेकिन हाँ। उसमें टोटल फैसिलिटी अपनी है ना, और मेडिकल हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब अपना है, बस कंपनी रूम देती है। और अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये एरिया आप देखिए, शारजा का एक इंडस्ट्रियल एरिया है सज्जा। हमारे एक भाई हैं शहजाद भाई, जो कि बकरा के रहने वाले हैं, वहीं हमें यहाँ पर लेके आए हैं। तो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ कि लेबर कैंप कैसा होता है, यहाँ की लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है। आप लोग सोचते होंगे कि यार जो यहाँ पे लेबर काम करते हैं बहुत मौज में रहते हैं ना, तो आज उनकी हकीकत आप देखिए, आपको तरस आ जाएगा उनकी रिहाइश वगैरह पे। कंबल उम्बल सब लोग अपना सुखा रहे हैं। एक भाई देखिए यहाँ पे ट्रिमर से उनका बाल बना रहे, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और भाई खैरियत से? और भाई आपका नाम? सलाम। कहाँ से हैं आप? इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? नेपाल साइड। अच्छा, तो नेपाल तो अलग देश है। वो इंडिया की साइड। अच्छा, इंडिया मतलब नेपाल के बॉर्डर के पास से हैं। यहाँ पे कौन सा काम करते हैं आप? मेसन का। कितना साल हो गया यहाँ पे? अच्छा, एक साल। और देखते हैं, और भाई देखिए यहाँ पे कपड़ा वगैरह लोग कैसे सुखाते हैं। और भी भाई लोग हैं, आज छुट्टी है तो सब लोग अपना नहा धो रहे हैं। और भी भाई लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, थोड़ा इधर आइए, थोड़ा साफ फोटो आएगा। चाचा आपका नाम? थोड़ा इधर इधर इधर, थोड़ा तेज बोलिए, तेज तेज। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अलकास। अलकास, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? हेल्पर के काम में। कितने साल से यहाँ पे हैं? 11 साल। माशाल्लाह, ये भाई देखिए 11 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने वो लगा रखा है अपना दाढ़ी बाल में, क्या ब्लैक करने के लिए डाई बोलते हैं, वो लगा के रखा है। और ये लेबर कैंप है, तो आप देखिए यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा हेल्पर लोगों को कितना पैसा मिलता है, कुछ बताना चाहेंगे? वो 5 दिरहम मिलता है, एक घंटे का 5 दिरहम। अच्छा, घंटे के हिसाब से काम चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हेल्पर का कैटेगरी का काम है ना, उसमें 1 घंटे का 5 मिलता है, यानी 10 घंटा आप काम करोगे तो 50 दिरहम, उस हिसाब से महीने का हो गया कितना, 1500 दिरहम, इंडिया का 33,000 रुपया। लेकिन मेहनत अच्छा, उसमें भी उसमें भी खाना अपना होता है। ये कैंप मुझे लगता है कंपनी वाले देते हैं, कैंप ट्रांसपोर्ट कंपनी, बाकी मेडिसिन वगैरह टोटली सब कुछ अपना। थोड़ा तेज बोलिए, क्योंकि जो इसमें 5 रुपए घंटा तो मिलता है, सही है, लेकिन उसमें टोटल फैसिलिटी अपनी है ना, और मेडिकल हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब अपना है, बस कंपनी रूम देती है और बस देती है, ट्रांसपोर्ट देती है, वीजा का पैसा अलग से लगता है उसमें, बस तक कुछ भी नहीं है। तो देखिए जो बड़ी कंपनी होती है वो तो शायद वीज़ा दे देती है, लेकिन जो छोटी कंपनी होती है ना, वो वीज़ा का कुछ पैसा डिटेक्ट करती है। तो बहुत से लोगों का 2000 कट कर लेती है, सैलरी से कट कर लेती है, और सैलरी नहीं, रहना जो और ट्रांसपोर्ट कंपनी देती है, बाकी सब कुछ इनको मैनेज करना पड़ता है। 95% कंपनी में ऐसा भी होता है, मैं भी जिस कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी अकोमोडेशन देती है, बाकी खाना वाना सब मेरा अपना होता है। लेबर कैंप में ऐसा ही होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया में सैलून वगैरह बहुत दूर दूर होता है, तो लोग यहाँ पे ऐसे मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। भाई आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से? हम भी लोग वाराणसी। और ये आजमगढ़ के, तो हम लोग भी हैं आजमगढ़ में। कहाँ के? बिंद्रा बाजार। अच्छा, बिंद्रा बाजार पास के ही, हम लोग रोमा के, मैं रोमा का हूँ। तो ये भी भाई देखिए बिंद्रा बाजार के, मैं YouTube पे वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ। कुछ मैसेज देना चाहते हैं इंडिया के वर्करों को, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। भाई मैं तो मैसेज यही देना चाहता है, इंडिया में अगर आपको 10-12 हजार मिलता है तो उधर ही रुको, इधर कभी जिंदगी में लाइफ में नहीं आने का, अपना परिवार के साथ में रहो, कभी भी यही मैं बोलेगा। आप कितने साल से हो इधर? इधर मेरे को 14-15 साल हो गए। क्यों? तब आप 14-15 साल से क्यों? 1-2 साल सफर काट के जा सकते थे ना? जा सकता था रहा ना, पर अभी मैं उधर कर नहीं पाता है, अपनी चेंज होता रहा। इसके लिए मैं ऐसा बोल रहा है कि अगर 10-12 हजार रुपया अगर आदमी उधर कमाता है तो उधर ही रहे। वही बात है ना, इंडिया में तो ये हालत है कि कुछ इंजीनियर्स लोग 10-12 हजार नहीं कमा पाते, वर्कर की तो बात ही अलग, इसीलिए लोग दुबई भाग के आते हैं। तो आपको मैं एक रूम दिखा देता हूँ कि रूम यहाँ पे कैसे है, लोग अंदर कैसे रहते हैं। ये देखिए एक रूम में कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इतने बड़े रूम में 8 लोग रहते हैं।
मैंने आपसे पहले बताया था ना कि एक रूम में 8 लोग 6 लोग 10 लोग ऐसे ही रहते हैं। तो भाई यही है कैंप और यही है मतलब लेबर कैटेगरी की, हेल्पर कैटेगरी की, यही रियल लाइफ है। आप लोगों को फोटो वगैरह दिखता होगा फेसबुक पे यूट्यूब पे, लोग घूमने जाते हैं डालते हैं, लेकिन जो असल जिंदगी है वो यही है। थोड़ा किचन में आपको दिखा देता हूँ, ये किचन है। तो ये यहाँ पे देखिए किचन ऐसा होता है, ढेर सारा गैस स्टोव लगा रहता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से पकाता है, जिसको पकाना होता है पकाता है, जिसको बाहर से लाना होता है वो बाहर से आता है। और गैस वैस का पैसा क्या कंपनी देती है, खुद पियर करना पड़ता है? गैस का शायद कंपनी देती होगी, हम लोग का कंपनी देता है। हाँ, तो गैस का जो पैसा है वो कंपनी देती है, बाकी मटेरियल आपको ला के परचेज करके बनाना है। यहाँ पे देखिए ये भी भाई, अब भाई आप कहाँ से? बिहार से। भाई आप? राजस्थान। और आप तो पंजाब से। कितने आदमी होंगे यहाँ पे टोटल? तो इस कैंप में दोस्तों 70 आदमी हैं। यही है दुबई के लेबर की लाइफ। अगर आप दुबई आना चाहते हो तो इस तरह की ज़िंदगी है, सोच समझ के आइएगा। लेकिन यही है कि ज़िंदगी कैसी भी हो पैसा आदमी कमा लेता है थोड़ा बहुत। वीडियो मेरी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ और अगर दिखाने लायक होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ।